On self-funded program, my brother is already the settled there. I want to avail Erasmus uh, Mundus scholarship because it will give me exposure of artificial intelligence as well as pharmaceutical industry. On the basis of this, I can easily apply for California Institute of, Institute of Technology and can eventually land on US after two years. I want to leave, I don't want to live in Europe or Australia. Personally, I am tilted towards US. What is your suggestion? should he accept Erasmus opportunity or start applying for others? क्या नाम के इनका? सर इनका नाम ये पता नहीं है लेकिन इनसे कांटेक्ट नंबर है मैं इनको लिंक भेज के जवाब भेजूंगा कांटेक्ट नंबर पाकिस्तानी? पाकिस्तानी है ये साद साद अस्करी के थ्रू हमारे पास इन्होंने पोर्श किया है देखो भाई तुम चाहे पूल प्राइट स्कॉलरशिप ले लो चाहे त नवाज शरीफ की स्कॉलरशिप ले लो आइज एन की कुछ भी ले लो तुम जब अमेरिका उतरोगे तो तुम्हें कोई जॉब नहीं मिलेगी वो जो वीज़ा में देते हैं उसमें तुम्हें वापस जाना पड़ेगा ठीक है ना वो एफ एन वीजा होता है एफ एन जे वन करते हैं इस तरह बहुत सारी चीज़ें वो निकालते हैं ठीक है ना तुम्हें कोई जॉब नहीं मिलेगी चाहे तुम हार्वर्ड से पढ़ लो एम आई टी से पढ़ लो तुम्हें कोई जॉब नहीं मिलेगी मैं नहीं कह रहा ये हारवर्ड एम आई टी भी कहते हैं ठीक है ना ऑन एवरेज ये उनका अठारह से महीने से दो साल लगते हैं उनके ग्रेजुएट्स को जॉब पकड़ने में तो तुम किस तालीम में हो डज़ेंट मैटर कि तुम्हें क्या हाँ तुम्हें फ्री तालीम मिल रही है तो अगर तुम्हें इस, स्कॉलरशिप मिल रही है यूरोप में जाके पढ़ने की जॉब पढ़ लो ठीक है ना जाओ कर लो हो सकता है कि तुम ये करने के बाद वहाँ पर कहीं जाके जॉब कर सको जाओ करो अभी तक मैंने किसी को देखा नहीं मेरे पास ये सब आते हैं बन गए फला बन गए फलां बन गए यूट्यूब का तुम तो चैनल खोल सकते हो जिस बहुत सारे लोगों ने खोला वो वहाँ से तुम तो इनकम कमा सकते हो जो कि जायज़ नहीं है मगर सब मुफ्ती का नाम बोलते हैं जायज़ है ठीक है ना शराब का एड दिखा के वो पैसे कमा रहे हैं बोलेंगे दस परसेंट दे दो उसमें से हलाल हो जाएगा सब रसूल सल् ने तो कहा है कि चाहे तुम आराम कमाओ चाहे तुम इसमें से जितना परसेंटेज निकाल लो वो जक़ात दे दो फितरा दे दो सदका दे दो ये कर दो अल्ला उसको हराम हलाल नहीं करेगा हराम ही है तो वो सारी तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं यू नीड टू सी कि तुम्हें करना है क्या है अगर मैं तुम्हारी जगह पे हूँ तो मैं ये स्कॉलरशिप ले लूँ क्योंकि फ्री में पढ़ाया जा रहा है सब कुछ है लेकिन मैं खाली स्कॉलरशिप पर रिलय नहीं करूँ तो मैं साथ साथ जो है ना डिप्लोमा ऑफ्स पढ़ूँ जो मुझे पता होगा कि जैसे ही मेरी डिग्री सब कुछ ख़त्म होगा मुझे कही कहीं ना कहीं जॉब करनी है तो मैं कहीं अगर एंट्री करके जाऊँ तो मैं बोल सकूँ कि मेरे पास ये सारे स्किल्स हैं ये डिफरेंस ये मैं उसको मशवरा दूंगा अपने अगर मैं अगर मेरे पास कोई टाइम मशीन होती और मैं वापस जाता क्योंकि जा नहीं सकते क्योंकि वक्त अल्लाह के अख्तियार में है साइंटिफिकली आप कुछ भी करने और टाइम से पीछे नहीं जा सकते ठीक है ना तो वो सब चीज़ें अगर होती भी तो मैं जाके अपने आप को ये मशवरा देता कि यार ये ये कर लो और साथ में ये भी पढ़ लो तो फिर फ़ायदा हो जाएगा ये मेरा तुम्हारे लिए मशवा है क्योंकि तुम कोई पहले बच्चे नहीं हो जिसको इस्कॉलरशिप मिल रही है और मेरे पास इस तरह हज़ारों आ चुके हैं अमेरिका में भी आए यूके में भी आए कनाडा में भी आए ठीक है ना पाकिस्तान से भी आए इंडिया से भी आए बांग्लादेश से भी आए सऊदीया से भी आए हर ममालिक साउथ अफ्रीका नाइजीरिया सब से मैं बातचीत कर चुका हूँ जिसने मेरी बात सुनी वो काम कर रहा है बैठ गया वो मार्केट में जिसने मेरी बात नहीं सुनी वो अखबार हो गया फिर जब मेरे पास आता है बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है मेरे पास वाकई में टाइम नहीं है ठीक है ना मैं बोलता हूँ यार तुम्हें मशवरा दिया था ना तुम्हें याद है इसने कहा याद मैंने कहा जॉस पर अमल करो अब मैं क्या करूं ये हो कि मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता तुमको मैंने बता दिया था क्यामत के दिन लोग जाएंगे और रसूल वसलम उनको डिसोन कर देंगे साहब उनको फरिश्ते आगे जाने नहीं देंगे और सर ठीक है ना वो फरिश्ते जाने नहीं देंगे क्यों वो डिसोन कर देंगे रसूल वसलम कर देंगे उनको तो बोलेंगे मैं नहीं जानता है, कौन है ये मेरा उम्मत ही हो ही नहीं सकता जब तुम शुरू से चले ही नहीं तुमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं सुनी मैं कहाँ पर हूँ एम नथिंग खाली चीज पड़ी हुई भी नहीं मैं, we are not even... so, अगर हमें उनकी बात नहीं सुनते तो फरिश्ता हमें जाने भी नहीं देंगे हदीस से मुबारक हमें फरिश्ताओ भाई कौन हो तुम यू यू कैन नॉट गो देर यू आर नॉट अलाउड तो तुम जितनी आवाजें निकालो कुछ भी करो यू कॉन्ट गो देर सो दैट्स ठीक है ना तो लिसन टू हिम फर्स्ट

हमारा भाई वहाँ पर है तुम ऑस्ट्रेलिया में मेरे पास बहुत सारे लड़के बैठे हुए हैं डिग्रियाँ करके बैठे हुए थे कुछ नहीं हो रहा था हमारे कोर्स पढ़ने से उनकी जॉबें हो गई कोई पी डब्ल्यू सी में कोई डिलोयट में, में, e में है कोई के पी एन जी में कोई ई एन वाई में है कोई सीमेंस में कोई कहाँ काम कर करेगा सब लगे हैं माशाद तो उसके लिए तुम्हें सब चीज़ों को करते हुए काम करना पड़ेगा तो अगर तुमने वो कर लिया यू कैन गो देर ये तुम्हारे लिए मशवरा है बाकी आगे तुम्हारी इतनी मर्जी है ठीक है ना एवेलुएट करो सब कुछ करो देख लो तुम अल्लाह तुम्हारे लिए आसान फरमाए ये हार्वर्ड का आर्टिकल देख लेना हार्वर्ड कह रहा है कि एम्प्लॉयर्स को टाइटल नहीं चाहिए एम्प्लॉयर्स को कोई गर्ज नहीं है तुम्हारे पास स्कॉलरशिप है या ये है वो है कुछ भी है कोई को, को, को फ़र्क नहीं पड़ता अभी टाइम है सो कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो उनको फ़र्क पड़ता है उनको स्किल्स चाहिए तुम जो कोर्स कर रहे हो सब कुछ कर रहे हो तुम्हारे एक स्कॉलरशिप का कोर्स है उस कोर्स से तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी तुम्हें स्किल से जॉब मिलेगी मैं नहीं कह रहा हाउ कह रहा जो मैंने आर्टिकल दिखाया था ना इस चीज़ के अंदर तो मैं तुम्हें बार दोबार दिखा देता हूँ सो इफ यू फॉलो दैट देन यू विल बी एट दैट लेवल देन यू कैन गो देर एंड यू कैन डू ऑल ऑफ दोज थिंग्स ठीक है ना सो so ये मेरा तुम्हारे लिए मशवरा है बाकी आगे तुम्हारी अपनी मर्जी है ठीक है वट डू यू वॉन्ट टू डू एंड हाउ यू टू प्रोसीड सिक्स रीजन वाई एजुकेशन नीड्स टू बी डिस्टरप्टेड ठीक है ना एम्प्लॉयर्स को स्किल्स चाहिए टाइटल नहीं तुम्हारे पास सिर्फ नॉलेज और टाइटल है स्टूडेंट्स को तुम्हें जॉब चाहिए होगी लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ नॉलेज और टाइटल है ठीक है ना स्टूडेंट्स तुम कुछ पे तो नहीं कर रहे यहाँ तो तुम उस पर नहीं लगता क्योंकि तुम उस एक्सेप्शन में हो कि तुम्हें स्कॉलरशिप मिल रही है हर किसी को थोड़ी मिलती है ठीक है ना अमेरिका में मिलियंस ऑफ लोगों के ऊपर डेट है ठीक है ना एक एक मिलियन का डेट चढ़ जाता है अमेरिका में ठीक है ना आई वी लीग स्कूल में इधर उधर सब जगह ठीक है ना सही है कॉलेज स्टूडेंट्स जो तुम्हारी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है कि मैं यार ये करूंगा तो मेरी हो जाएगी अमेरिका में मिलियंस के तादाद में स्टूडेंट्स बेरोजगार घूम रहे हैं हार्वर्ड इनके सबके तुम कहाँ पर आते हो उनके पास तो पासपोर्ट भी सब कुछ है मार्केट में कंप्लीट अनरियलिस्टिक चीज है एम्प्लॉयर ये मेरा सीधा आता है एम्प्लॉयर मांगता है स्किल्स तुम्हें यूनिवर्सिटी देती है टाइटल तुम्हें स्किल्स और टाइटल दोनों चाहिए ताकि तुम जाके जॉब पे बैठ सको ठीक है जॉब पे बैठ सको जॉब नहीं है तुम्हारे पास तुम्हें टाइटल मिल जाएगा दैट्स वट यू कैन है